भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज 25 नवंबर से शुरू होने वाली है। इस सीरीज को लेकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर ने रविवार को कहा है कि भारतीय परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उनके बल्लेबाजी क्रम के लिए जल्दी से लेंथ को समझना और डिफेंस करना महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि नई गेंद कुछ मुश्किल पैदा करेगी, लेकिन रन बनाना इतना मुश्किल नहीं होगा। टेलर कानपुर और मुंबई में भारत के साथ होने वाले दो टेस्ट मैचों के लिए न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा हैं। ये सीरीज दूसरे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा है। टेलर के अनुसार, जब आप भारत में खेलते हो तो जाहिर तौर पर यहाँ स्पिनरों की भूमिका अहम हो जाती है। नई गेंद कुछ मुश्किल पैदा कर सकती है, लेकिन स्कोर करने में मुश्किल नहीं होगी। वहीं भारत के पास विश्व स्तरीय स्पिनर है और जानते हैं कि इन परिस्थितियों में बल्लेबाजों को कैसे आउट करना है। हमारे लिए जितनी जल्दी हो सके लेंथ को समझने और डिफेंस पर भरोसा करना होगा। टेलर ने इसके आगे कहा, टेस्ट मैच के शुरू में आपको रन बनाने में थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्र रक्षक आपके आसपास ही होते हैं, इसलिए हम नेट्स में ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर रहे हैं। पारी की पहले 10 से 20 गेंदों को खेलना महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो सकती है, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी। टेलर ने ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति के बारे में ज्यादा बातचीत करने से इनकार कर दिया। 2016 में न्यूजीलैंड को भारत से 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था। उस सीरीज में अश्विन ने 27 विकेट लिए थे। कुल मिलाकर अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में टेलर को 5 बार आउट किया है। टेलर के मुताबिक वह अश्विन को कैसे खेलेंगे इस बारे में नहीं बताना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस तरह के लाइनअप के साथ जाता है। अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी भूमिका निभाई और भारत कम से कम 2 स्पिनरों के साथ जा रहा है, जिसमें निश्चित तौर पर अश्विन शामिल होंगे, क्योंकि वे सभी परिस्थितियों में बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। हम उन्हें कैसे खेलते हैं ये एक देखने वाली बात होगी। टेलर ने स्वीकार किया कि वह घरेलू परिस्थितियों में स्पिनरों के खिलाफ अच्छा खेलने के प्रयास में भारतीय तेज गेंदबाजों के आक्रमण को नजरअंदाज नहीं कर सकते। टेलर ने कहा, नई गेंद और रिवर्स स्विंग के साथ तेज गेंदबाज भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन स्पिनर यहां कभी कभी बड़ी भूमिका नहीं निभा पाते हैं। हम ये सोचने की गलती नहीं कर सकते हैं कि स्पिनर्स ही यहां एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। हमें यहां गुणवत्तापूर्ण तेज गेंदबाजों का भी सामना करना होगा। उन्होंने आगे कहा, भारतीय तेज गेंदबाजों को रिवर्स स्विंग करने में महारत हासिल है। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में चिंतित होना चाहिए, लेकिन स्पिन गेंदबाज एक बड़ा रोल अदा करने जा रहे हैं।